Good morning, students. How are you all? I hope you all are doing good and staying safe at your home. Today's topic is revision of FA3. So, sum of like fraction. So, without any further ado, let's get started. In exam, there is a question, sum of like fraction, and every question is for 2 marks. Okay? So, हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 2 मार्क्स में सम ऑफ लाइक फ्रैक्शन के. तो आज हम क्या करने वाले? उसी टॉपिक का रिवीजन करने वाले. सो हियर फर्स्ट क्वेश्चन इज 1/5 + 5/10. नाउ चिल्ड्रन टेल मी व्हाट इज अ लाइक फ्रैक्शन. लाइक फ्रैक्शन हम किसे कहते हैं? सॉरी चिल्ड्रन, 1/10 + 5/10. तो आप पहले मुझे ये बताइए, लाइक फ्रैक्शन हम किसे कहते हैं? लाइक फ्रैक्शन का मतलब होता है चिल्ड्रन कि डिनोमिनेटर सेम हो. क्या हो? डिनोमिनेटर में जो वैल्यू हो वो क्या हो? सेम. यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, तो ये कौन से फ्रैक्शन हो गए? लाइक फ्रैक्शन. डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू होनी चाहिए. अगर यहाँ पर 10 और यहाँ पर 5 होते तो वो क्या बन जाते? अनलाइक फ्रैक्शन. लेकिन हमें सम किसका करना है? लाइक फ्रैक्शन. लाइक फ्रैक्शन मतलब कि डिनोमिनेटर में सेम नंबर हो, यहाँ पर भी 10 और यहाँ पर भी 10. तो व्हाट इज आवर फर्स्ट स्टेप चिल्ड्रन? ऐड द न्यूमरेटर, राइट. 1 + 5 = 1 + 5 चिल्ड्रन 6, और डिनोमिनेटर विल रिमेन सेम. और डिनोमिनेटर क्या रहेगा? सेम रहेगा. नाउ लास्ट स्टेप कौन सा होता है? नाउ रिड्यूस इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म. अभी हमें क्या करना है चिल्ड्रन? अभी हमें इस नंबर को, इस फ्रैक्शन को क्या करना है? सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है. तो रिड्यूस करने के लिए हम क्या फाइंड करेंगे? पहले कॉमन फैक्टर. वेरी गुड. नाउ 6 के फैक्टर कौन से है? 1, 2, 3 and 6. नाउ 10 के फैक्टर कौन से है? 1, 2, 5, फिर 10. नाउ दोनों में कॉमन कौन सा नंबर है? 2 and 2. तो क्या करेंगे हम? 2 के साथ ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, राइट चिल्ड्रन. अब क्या करना है 2 के साथ डिवाइड किया? अभी 6, 2 के टेबल में 6 कब आते हैं चिल्ड्रन? 3 2s are 6, राइट. 2 2 विल कैंसल आउट. 2 के टेबल में 10 कब आते हैं? 5 2s are 10. तो 2 2 कैंसल आउट. आंसर में क्या बचा? 3/5. आंसर में क्या आया? तो ये हमारा क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म. क्यों? क्योंकि इन दोनों का कॉमन फैक्टर कौन सा होगा? ओनली 1. सो दिस इज द अवर आंसर. समझ में आया? 3 स्टेप ही फॉलो करने. एड द न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर विल रिमेन द सेम, और जो भी आंसर आता है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है. हमें कब पता चलेगा कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है? जब इन दोनों का कॉमन फैक्टर कौन होगा? 1. चलो 3 के कॉमन फैक्टर कौन से है? 1 and 3. 5 के 1 and 5. दोनों में कॉमन क्या है? 1 and 1. इट मींस ये जो है 3/5 वो किस फॉर्म में है? अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है. आर यू गेटिंग चिल्ड्रन? नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. चलो 2/7 + 3/7 दोनों क्या है? लाइक फ्रैक्शन. क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है. नाउ व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? एड द न्यूमरेटर. 2 + 3 = 2 + 3 = 5. नाउ डिनोमिनेटर विल रिमेन द सेम, तो 5/7. नाउ रिड्यूस इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म. चलो 5 और 7 के फैक्टर्स कौन से है? 5 के 1 and 5. 7 के 1 and 7. दोनों में कॉमन क्या है चिल्ड्रन? 1. इट मींस ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो हम क्या कर देंगे? राइट एज इट इज. क्यों? क्योंकि दोनों में कॉमन क्या आ गया? 1. तो इट मींस दिस इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, तो हमें उनको रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है. तो आंसर में क्या आ जाएगा? 5/7, राइट. आर यू गेटिंग? वेरी गुड. आपको एग्जाम में प्रॉपर मेथड में करना है चिल्ड्रन, आपको हर एक स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे. अगर आपने ऐसा नहीं किया, एक भी स्टेप आपने स्किप किया, तो मैम आपके मार्क्स कट कर देंगे. सो जब भी आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आपको पूरा ध्यान रखना है चिल्ड्रन, राइट. नाउ नेक्स्ट वन इज 1
वन अपॉन एट एंड वन थ्री अपॉन एट. वन वन अपॉन एट प्लस वन थ्री अपॉन एट, ये कौन सा फॉर्म है चिल्ड्रन? मुझे पता नहीं, आप मुझे बताओ ये कौन सा फॉर्म है? मिक्स न्यूमरल. वेरी गुड. अभी हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, राइट? तो कैसे करेंगे? एट वन जार एट, एट प्लस वन इज नाइन, सो नाइन अपॉन एट. ये तो सबको आता ही है ना. नाउ एट वन जार एट, इसके साथ क्या करना होता है? मल्टीप्लीकेशन. फिर जो भी आंसर आए उसको न्यूमरेटर के साथ क्या करना है? प्लस, राइट? एट वन जार एट, एट प्लस थ्री इज इलेवन, इलेवन अपॉन एट, राइट? नाउ क्या करना है? एड द न्यूमरेटर. इलेवन प्लस नाइन इज ट्वेंटी एंड डिनोमिनेटर विल रिमेन द सेम, राइट? नाउ रिड्यूस इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म. चलो ट्वेंटी के फैक्टर कौन से है? वन, टू टेन्स आर ट्वेंटी, फोर फाइव आर ट्वेंटी एंड ट्वेंटी. अभी एट के, वन टू फोर आर एट एंड एट, राइट? अभी दोनों में कॉमन क्या निकला चिल्ड्रन? देखो दोनों में कॉमन क्या है, एक तो टू भी कॉमन है और फोर भी कॉमन है, लेकिन जो बड़ा होगा वो हम लेंगे. तो बड़ा क्या है? फोर. तो फोर इज द कॉमन फैक्टर. नाउ फोर के साथ क्या करेंगे हम? डिवाइड करेंगे फोर अपॉन फोर. चलो अभी फोर एट के, एट के टेबल में फोर कब आएंगे? फोर टू जा एट, राइट? फोर फोर कैंसल आउट. ना अभी ट्वेंटी के टेबल में फोर कब आएंगे, या फोर के टेबल में ट्वेंटी कब आते हैं चिल्ड्रन? फाइव, फोर जा ट्वेंटी, फोर फोर कैंसल आउट. आंसर में क्या आया? फाइव अपॉन टू. ये क्या है हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म. क्यों? क्योंकि फाइव के फैक्टर कौन से? वन एंड फाइव. टू के फैक्टर कौन से? वन एंड टू. दोनों में कॉमन क्या है? वन. सो इट मीन्स फाइव अपॉन टू इज अवर, क्या है? फाइव अपॉन टू इज अवर आंसर. और ये किस में है? इन द सिंपलेस्ट फॉर्म में. आर यू गेटिंग चिल्ड्रन? फाइव अपॉन टू. नाउ लास्ट एग्जाम्पल, थ्री अपॉन फाइव प्लस वन, वन अपॉन फाइव. तो क्या करेंगे? ये मिक्स न्यूमरल फॉर्म में है, तो इसको पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे? इम्प्रॉपर में, राइट चिल्ड्रन? चलो फाइव वन जार फाइव, फाइव प्लस वन इज सिक्स, सिक्स अपॉन फाइव. ओके, नाउ एट द न्यूमरेटर, थ्री प्लस सिक्स इज नाइन अपॉन फाइव. नाउ क्या करना है? रिड्यूस इन सिंपलेस्ट फॉर्म. तो नाइन के फैक्टर कौन से? वन थ्री एंड नाइन, और फाइव के वन एंड फाइव. दोनों में कॉमन कौन सा फैक्टर है? वन एंड वन. तो आंसर में क्या आ जाएगा? नाइन अपॉन फाइव. क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, राइट? आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू, दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ नाइस डे. बाय.